बचपन का पढ़ा हुआ बच्चा है। हाँ यार, घर की ब्रेड और ऐसे चली जाए, सबसे ज्यादा ये रहा है हमारे पास। नहीं, इस बीमारी अरे यार, बहुत भारी नुकसान है एक तरीके से हमारा यार। ये सबसे बेहतरीन मुर्गे थे हमारे कॉलेज वाले। अरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, हमारी आखिरी ये ब्रेड रह गई थी बस, जो घर की पला हुआ बच्चा था आप लोग देख रहे थे। और मुझे काफ़ी टाइम बाद इसका नाम भी मैंने आप लोगों को बताया था, येलो ड्रैगन जो रखा था काफ़ी टाइम पहले। तो आज सुबह उठे तो हमारे को ये मिला है, इसका आखिरी वो के ये नहीं रहा भाई हमारे पास बिल्कुल भी। और तकरीबन हमने इसको कितनी देर हो गई है, तकरीबन 1 घंटे 2 घंटे हो गए मुझे इतना लग रहा है। और बाबा ने जो है वो बाहर इसलिए नहीं लेके गए, वो कहीं दफनाया नहीं, उन्होंने बोला तुम देख लेना बेटा, क्योंकि सभी देख रहे थे, उन्होंने बोला तुम ही देखना, बस तुम लोग देख लो अपने उसको आखिरी बार, फिर इसको दफना देना जाएगा, क्योंकि आखिरी दीदार है हमारा भी, सारे आखिरी बार ही देख रहे हैं इसको। यार, घर का पला हुआ बच्चा था, इसका सबसे ज़्यादा दुख है हमारे घर का निकला हुआ। कब निकला था ये? दिसंबर, ये 2023। हाँ, पिछले दिसंबर में निकला था ये, दिसंबर, पिछले दिसंबर या नवंबर, नवंबर में निकला होगा, नवंबर में ऐसे भी। अभी इतनी एज थोड़ी थी इसकी कोई, वही तो बोल रहा हूँ, खुद देखो ना, एक साल का भी नहीं हुआ था इसे, अभी एक साल का, एक साल का भी नहीं था। और आज हमारे को सबसे बड़ा एक तरीके से लॉस था ये बच्चा हमारा जो 1 साल का। वैसे तो सारे ही मर गए मुश्किल से, हाँ सारे ही मर गए, सिर्फ मिस्री मुर्गियाँ कटी थी मेरी, और ये बीमारी सारे मुर्गे मुर्गियाँ सब कुछ ले गई एक झटके में। और सिर्फ हमारे पास नहीं आई है ये, तकरीबन अच्छे खासी जगहों पे आई है। हैदराबाद में काफ़ी मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि भाई हमारी मुर्गियाँ मर गई, हमारे मुर्गे मर गए, और किसी का कुछ मर गया, किसी का कुछ, तो ये सब हर जगह चल रहा था। और तो बस यार, आज यही थी, इसको मैं ले जाके अब दफना देता हूँ, बाकी भाई नया शौक शुरू करेंगे। आखिरी यही था हमारे पास, ठीक है भाई, चलें ना। अल्लाह अकबर भाई, आ गए सेटअप पे, खाली पड़ा हुआ है, अंदर सेटअप खोल रहा है। किसने अंदर क्या हुआ? अंडों में से बच्चा निकलना, वो देख नीचे वाला देख अंडा, इन्होंने दूसरे अंडे रखे हैं क्या? ये मतलब इनके अंडे उसके नीचे रख दिए, क्योंकि उसने अंडे छोड़ दिए, इनके अंडे इसके नीचे रखे हैं, बच्चे निकलने बने। और इन होशियारों ने क्या करा यार, इनको भी अजीब हरकतें लगी हुई है, समझ से बाहर हो रही है यार। वो अंडे खराब हैं, वो अंडे नए हैं, तो वो भी खराब हो जाएंगे, थोड़ी बैठेंगे, वो तो इस बार हटाना, उसमें ज्ञान बन गई है, बच्चे बने हुए नहीं, तो वाले अंडे हटा दो ना, जाले इनको बैठेंगे नहीं, ये ऐवे ही है इनको, तो मैं क्या बोलूं यार, क्या तुम लोग चाहते हो? सही सही, इसने बोला था हमजा ने मुझे कि इनको सेल आउट कर दो, ये अंडे खराब करे जा रहे हैं, खराब करे जा रहे हैं, खराब करे जा रहे हैं। इसमें कैसे पता तुम्हारे बड़े बना हुआ है? ये किसका बच्चा है? ये इन्हीं का, इन्हीं का, व्हाइट वालों का, इन्होंने अंडे छोड़ दिए यार। एक सही बड़ा यहाँ से ही देख रहा है, ये देखें दोस्त, ये अंडे में सुराख हुआ हुआ, ये बच्चा बना हुआ, खिल्ला है वो बकायदा, वो रहा, पता नहीं क्या यार इन्होंने हरकत लगाई हुई है। सुकून से रहने ही नहीं देना किसी चीज को, पूरा अंडा ना क्रैक करा हुआ है, वो हमने निकाल देगी, देखो तोड़ी है शायद, और अपने पास रख के बैठ गई है, अब उसने तो उल्टा कर दिया जहां से वो क्रैक हुआ हुआ है। चले देखते हैं यार, अगर ये निकाल दे, थोड़ा वेट करते हैं, और इसका भी देखते हैं कि ये निकाले या ना निकाले। भाई हमारा ब्राउनी जो है माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यार वाहिद बच्चा है जो हमारे पास माशाल्लाह से सेट है, और इंशाल्लाह अल्लाह पाक इसको लंबी दराज उम्र दे और हमारे पास अच्छा खासा बड़ा हो, और ये बीमारी में ना है यार किसी। ब्राउनी, इसका नाम ब्राउनी है, याद रखना, ब्राउनी ब्राउनी ब्राउनी, मैं आखिरी बार बता रहा हूँ जिस। हाँ यार, अब क्या कर सकते हैं, पूरा सेटअप ही, और आज जो हुआ है ना, हम तो उसका बड़ा दुख है यार। नहीं, सबसे ज्यादा दुख हमें उसका है यार, जो बच्चा था ना, हाथ की ब्रेड निकला हुआ,
और सबसे ताकतवर बच्चा था वो, जिसको हमने, आप खुद देखें, इतने इतना सरवाइव करा इस बीमारी में, इतना सरवाइव करा कि एक हद होती है वो, आज आप अंदाज़ा लगाएं, अभी तक शुरू से बीमार था वो, उनके साथ जितने हमारे मर गए उनके साथ बीमार था पर अभी तक टिका रहा। और हैरत की बात ये, वो सेट हो गया था पर कमज़ोरी उसको इतनी थी, हमने खिलाते पिलाते भी रहे कि नहीं इसमें थोड़ी ताकत आए, इंजेक्शंस भी वो दिए सारे ताकत के जो जो और तरीके से दिए, ऐसे नहीं कि बस तेमार साढ़े चार आप देते जाओ, बीमारी में ज़्यादा मत दिया करें इतना, क्योंकि पहले जानवर नकाहत से मर रहा होता है आप लोग और चीज़ें उसको डाल देते हैं, तो ऐसे नहीं होता, तरीके से पूरा ट्रीटमेंट होता है। बट यार नकाहत उसमें इतनी आ गई थी, नकाहत बोलूँ तो मैं कमज़ोरी और वीकनेस, तो ये चीज़ उसमें इतनी ज़्यादा आ गई थी कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा था ना, वो बस उठ नहीं पाता था, चल रहा है तो गिर रहा है, फिर वो एक जगह रह गया था। और ये बीमारियां ना अक्सर इनकी या तो आंखें ले जाती है, टांगे ले जाती हैं लाजमी। तो हमारे अली की हमजा मुझे बता रहा था, हमजा इसकी आंख ले गई थी, तुमने कैसे नोटिस करा था? वाइट हो गई, क्योंकि जब मैं खड़ा हुआ था तो मैं देखा था ये चल तो नहीं पा रहा, वाइट हो गई थी आंखें, बिल्कुल वाइट, और टांगे भी ले गई थी। अगर वो शेड भी हो जाता ना तो उसको दिखता नहीं, नहीं यार टांगे भी ले गया था, टांगे तो कमजोरी है, नहीं हो सकता है कि अगर वो तो सेट हो जाना, खाता पीता बीच में, बस वो बोलते ना दोस्तों उसकी किस्मत में भी आज तक की जिंदगी थी और चला गया हमारा यार। येलो ड्रैगन नाम रखा था, ब्लैक थी एक, ब्लैक वाली भी मरी है, वो बीची है यार, वो जी है, उसके बाद भी इसकी भी कंडीशन खराब नहीं यार। हमने सारी शुरू में, हमें ये नहीं पता था कि सब में आ रही है, जब बीमारी शुरू शुरू में आई थी तो ब्लैक वाली जो थी ना, जिसका हमने नाम इनका साथ रखा था, पिछले वीडियो में देखिएगा, किसी भी येलो ड्रैगन लिखेंगे तो आ जाएगा, तो येलो ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन के नाम से मैंने नाम रखा था, पर वो निकल आई मादी, तो येलो ड्रैगन तो जब वो हमारे पास ही था, पर जब हमारे यहाँ बीमारी फैली ना तो हमें उस वक्त नहीं पता था कि बीमारी फैल चुकी है, पर वो फैल चुकी थी सब में, और उसी वक्त वो हमारी, हमने सेल आउट पे लगा दी थी ब्लैक ड्रैगन, तो हमजा ने वो बेचने के लिए लगाई थी और वो हमारी बिक भी गई थी, वो बंदा भी ले गया। अब हमें भी नहीं पता था कि यार बीमारी पहली भी है कोई, तो उस वक्त फिर हमारा पहला मुर्गा बीमार हुआ, नीचे आला हुआ था सबसे पहले काले वाला, जिसकी जरिए बीमारी लगी है सबको, उसके बाद दूसरा हुआ, तीसरा, फिर उस बंदे की भी कॉल आई थी हमारे पास कि यार आपकी जो ये है ना मुर्गी, ये तो कुछ दिनों बाद ये बीमार पड़ गई हमारे पास, उसी अभी बीच के दौरान। तो हमजा ने यही बोला, बोला यार हमें भी समझ नहीं आ रहा, बोला आपके पास तो फिर भी एक गई ही है, हमारा तो पूरा सेटअप तबाह हो गया। तो उसको हमने दिखाया, उसने भी फिर बेचारे ने बोला कि यार अफसोस है आपका तो पूरा सेटअप ही चला गया, मैं तो फिर भी एक मुर्गी ली थी आपसे। तो बस यार होने वाली चीज़ होती है, कुछ नहीं कर सकते इसके पीछे। तो यार मैं तुम लोगों को दिखा दूँ येलो ड्रैगन को जो है कहाँ दफनाया है, ये वाली जगह पर। अबे वो देखो खोद के कोई ले भी गया, ये देख रहे हैं आप लोग, खोद के कोई ले भी गया होशियार, तो ये मसले होते हैं। मैंने यहाँ दफनाया था, अब वो कोई खोद के ले गया निकाल के, हमजा जहाँ दफनाया था येलो ड्रैगन को कोई खोद गया, पूरा खोद गया नीचे तक, बताओ यार। असल में वहाँ ज़्यादा खुदाई भी नहीं हो पाती है नीचे की तरफ, क्योंकि भाई बहुत ज़मीन ऐसी पुख्ता बनी है, पर अंदर तक है। अब खैर उनकी रिक्स था भाई, वो जिस तरीके से वो बोलते हैं ना ऊपर वाला रिक्स लिखता है, तो वो ले गया होगा, उसके नसीब में था खाना पीना, वो ले गया खोद के। इनकी सूंघने की सलाहियत बहुत तेज़ होती है, तो वो नहीं छोड़ते भाई। अक्सर मैंने बहुत सी चीज़ें दफनाई हैं, तो वो कभी कैट जो बिल्लियाँ होती हैं वो अक्सर ले जाती हैं। तो खैर भाई वहाँ था येलो ड्रैगन की आज ज़िंदगी तमाम हो गई। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, दुआ करें सेटअप के लिए कि जल्द अज जल्द सेटअप सारा सही हो जाए। अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।